हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कमिंग एग्ज़ाम जो आपका है कौन सा है, आपका जो कमिंग एग्ज़ाम आने वाला है जीआईसी का है, तो जीआईसी के लिए हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आज। उसका क्या नाम है? फंजाई, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। आइए इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूरी फंजाई है, इसको हम पूरा कम्प्लीट डिस्क्राइब करेंगे और इसमें दो तीन लेक्चर लगेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो में आप बने रहेंगे और इसके सारे पार्ट हम लेकर आएंगे आपके साथ में। तो फर्स्ट पार्ट है ये, यहाँ पे आप देखेंगे फंजाई दे रखा है। तो फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो फंजाई में क्या दे रखा है, तो फंजाई के बारे में इसके जनरल करेक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या आपको देखने को फंजाई में मिलता है। तो फंजाई में देख लेंगे यहाँ पर क्या है, तो देखेंगे दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है एक क्लोरोफिलस। तो फंजाई कैसी होती है, हमारी कैसी होती है, एक क्लोरोफिलस होती हैं। सेकेंड पॉइंट पे दे रखा है क्या, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ये न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करते हैं, किसी दूसरे प्लांट से, ठीक है, या फिर दूसरे प्लांट से गेन करेंगे। इसलिए ये दो टाइप के होते हैं हेटरोट्रॉपिक में, कैसी शो करते हैं, ये कैसा शो करते हैं नेचर, ये शो करते हैं सैप्रोफिटिक यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि सैप्रोफिटिक नेचर भी शो करते हैं और पैरासिटिक नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट इसका हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे अगर बात करें फंजाई की, तो ये कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, यूकैरियोटिक होती है और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होने के साथ में ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई हमारा ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर फंजाई कौन से, चार पांच नाम दे रखे होंगे आपको और, तो उसको आप याद रखें क्या, यहाँ पर याद आपको रखना है ईस्ट हमारा कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई हमारी हो जाएगी ईस्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो फंजाई के बारे में और देखेंगे, द प्लांट बॉडी इज़ माइसीलियम। प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, यहाँ पे प्लांट बॉडी माइसिलियम का ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करेंगे, फिफ्थ नंबर दे रखा है द सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। जो इसकी सेल वॉल होती है फंजाई की, किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की दोस्तों बनी होती है। तो ए पॉलीमर ऑफ NAG, ये NAG का मतलब क्या होता है, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, यानी कि ये पॉलीमर होता है एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन के। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, बात की जा रही है किसकी, काइटिन की। तो काइटिन हमारी कैसी होती है, काइटिन हमारी जो होती है ए पॉलीमर होती है, किसका पॉलीमर होती है, एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होती है। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मोस्टली कैसी होती है एल्गी, कैसी होती है, सॉरी दोस्तों फंजाई कैसी होती है मोस्टली, वो कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे देखने को मिल जाएंगी आपको। और अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट कह दे रखा है रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिवली एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड। तो इनके अगर बात करेंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रोड्यूस हमारी हो जाती है कैसे, वेजिटेटिव मेथड से शो करती हैं, एसेक्सुअल मेथड भी शो करती हैं और क्या शो करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे तीनों टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को आपको मिल जाएंगे। ये हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर। इनके जो सेक्स आर्गन होंगे कैसे होते हैं, फंजाई में जितनी भी फंजाई होंगे उनके आर्गन कैसे देखने को मिल जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड। इनके ऊपर कोई जैकेट की यानी कि कोई लेयरिंग नहीं होती, यानी उनको क्या कहते हैं, नॉन जैकेटेड कहते हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लाइफ साइकिल। जो फंजाई की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता, फंजाई में कोई भी किसी भी टाइप का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसको याद रखें, एम्ब्रियो फॉर्मेशन अगर फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप और क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, थैलोफाइट, यानी कि बॉडी कैसी होती, थैलस होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थैलोफाइट कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको कि फंजाई की जो बॉडी कैसी होती है, फंजाई की बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी कि थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आगे बात करेंगे इसकी फंजाई की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की, द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के नाम से भी, सॉरी स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाती है आपकी। अगर बात करेंगे इसमें और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो फंजाई की थोड़ा और बात करना चाहेंगे, तो पी ए मिचेली जो हमारे थे इटालियन बॉटनिस्ट थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। जो हैं इन कहाँ के ये बॉटनिस्ट थे, इटालियन बॉटनिस्ट थे, और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। और इन्होंने इनकी एक बुक है जो कि कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये यहाँ पर इनकी जो बुक दे रखी है, क्या दे रखी है, ये बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा। तो क्या दे रहा है, नोवा
प्लांटेरम जेनरा, तो क्या हो जाएगी, नोवा प्लांटेरम जेनरा, ये फर्स्ट बुक है फंजाई की, फंजाई की फर्स्ट बुक के नाम से आ जाएगी, तो क्या होगा, तो नोवा प्लांटेरम जेनरा किसके द्वारा रिटर्न की गई, पी ए मिचेली के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पीजीटी में और टीजीटी में भी दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करेंगे यहाँ पे, इसके बाद आगे की बात करेंगे तो इसमें और हम क्या जानेंगे, अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट आपको है क्या दे रखा है, ई जे बटलर, ई जे बटलर एक साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं, इन्हें क्या कहा जाता, फर्स्ट टू इनिशिएट स्टडी ऑफ फंजाई इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में स्टडी की थी, फंजाई के बारे में स्टडी इंडिया में सबसे पहले किसने की थी, ईजे बटलर, ईजे बटलर जी ने क्या किया था, इंडिया में सबसे पहले फंजाई की स्टडी की थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ठीक है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट फंजाई में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे इनकी जो बुक थी हमारी, इनकी जो बुक है किसके द्वारा, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, ये किसकी है, ये आपकी है, ये आपके हैं कौन से, ईजे बटलर की जो बुक है कौन सी है, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट, तो ये याद रखना, कई बार पूछी गई बुक दोस्तों, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा और आगे फंजाई में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे यहाँ पे दे रखा है, ये हिस्ट्री इनकी देख रहे हैं, फंजाई में कौन कौन साइंटिस्टों ने वर्क किया है, कहाँ पे किया है, ठीक है, तो केसी मेहता का नाम हमारा जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये केसी मेहता को क्या किस कैसे जानते हैं, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन मतलब ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे, और उससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के नहीं थे, वो कहाँ के थे आपके, वो आपके ब्रिटिश के थे, और ब्रिटिश से पहले ये कहाँ थे, इटालियन के थे, ठीक है, यानी कि पी ए मिचेली इटालियन के थे, और ई जे बटलर कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिया में सबसे पहले फंजाई की स्टडी की थी, किसने किया था, ई जे बटलर, तो याद रखना है इसको दोस्तों, और इनकी बुक क्या है, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स, तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भूलना नहीं है आपको। केसी मेहता की अगर बात करेंगे तो जो हमारे इंडियन जो इंडिया के ये थे केसी मेहता जी, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, अगर आता है तो क्या आप बताएंगे, केसी मेहता, ठीक है। अगर अगर बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15 की, तो क्या दे रखा है, एडी बेरी, एडी बेरी को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, अगर मॉडर्न वर्ड यहाँ पे अगर जुड़ जाता है तो वहाँ पे ये नाम आपका बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ईडी बेरी, ईडी बेरी की बात करेंगे तो मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ईडी बेरी क्या है, मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो हमारे होते हैं ये कौन है, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, ये मॉडर्न क्या है, फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन, ये जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन है ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कह सकते, सारे पॉइंट एज ए क्वेश्चन है, ये सारे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप पेपर जो आपका जैसी होने वाला, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ये हमारे फंजाई के। आइए चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, कुछ हमारे जो हैं इंडिया में फेमस साइंटोलॉजिस्ट थे जिनको हम कहते हैं, कौन कौन से थे उनको देखेंगे हम यहाँ पे, कौन कौन से थे फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन कौन से, तो दे रखा है सी वी सुब्रमण्यम, सी वी सुब्रमण्यम दे रखा है, दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, टी एस सदाशिवम दे रखा है, और तीसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो के सी मेहता जी, तो ये हमारे इंडियन कौन है माइकोलॉजिस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है दोस्तों, तो यहाँ भाई इसको भी भूलना सख्त मना है दोस्तों आप लोगों के लिए, केसी मेहता जी हमारे जो हैं, केसी मेहता की अगर बात करें ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड विद द वीट रस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, इन जो इंडिया में वीट रस्ट प्रॉब्लम हुई थी उस पर इन्होंने वर्क किया था, और इनको रस्ट हंटर भी इन्हीं से जुड़ा हुआ, रस्ट हंटर के कह सकते हो, रस्ट हंटर का श्रेय भी इनके इन्हीं को जाता है, यानी कि रस्ट हंटर, हंटर मीन से क्या होता है जो हंट करे, ठीक है, तो रस्ट हंटर भी इनको कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बीबी मुंडकर, बीबी मुंडकर की अगर हम बात करेंगे तो बीबी मुंडकर भी हमारे ही यहाँ के ये साइंटिस्ट हैं, इनकी एक फेमस बुक है फंजाई एंड प्लांट डिसीज़,
बीबी मुंडकर को अगर हम याद करना चाहें तो फंजाई एंड प्लांट डिसीज इनकी बुक है कि किसकी है दोस्तों, ये फंजाई एंड प्लांट डिसीज, ये बीबी मुंडकर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ये हो गए, हिस्ट्री हो गई फंजाई की, किसने किसने कौन कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे वर्क किया है। अगर हम बात करना चाहें कि कुछ कॉमन नेम और बॉटेनिकल नेम फंजाई के, जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो क्या दे रखा है देखेंगे दोस्तों, क्या दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको मिलने वाले हैं और यहीं से 100% इसकी गारंटी होगी, 100% नहीं तो 95%, 95% जरूर गारंटी होगी, यहीं से क्वेश्चन आपको पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर बात करें यहाँ पे तो क्या दे रखा है, तो कॉमन नेम है और बॉटेनिकल नेम की बात करेंगे। तो अगर कॉमन नेम को अगर कहें स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड को किस नाम से जानते हैं, फाइसेरम स्टीमोनाइट्स, क्या हो जाएगा, फाइसेरम स्टीमोनाइट, फाइसेरम स्टीमोनाइट दैट मीन्स स्लाइम मोल्ड। अगर स्लाइम मोल्ड आता है तो वहाँ पे चार ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइसेरम स्टीमोनाइट्स, ये देखने को मिल जाएगा। अगर सेकेंड बात करें कॉमन नेम सेकेंड जो क्या है हमारा दे रखा है, वाटर मोल्ड, वाटर मोल्ड की अगर बात करेंगे तो वाटर मोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, वाटर मोल्ड एकाइला एंड स्पायरो लेग्निया, क्या हो जाएगा, एकाइला एंड स्पायरो लेग्निया, स्पायरो लेग्निया हो जाएगा। और बात करेंगे ब्रेड मोल्ड की, ब्रेड मोल्ड में हमारा क्या आ जाएगा, राइजोपस आ जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, राइजोपस हमारा क्या है, एक ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं राइजोपस को। अगर हम बात करेंगे ग्रीन ब्लू मोल्ड, ग्रीन ब्लू मोल्ड की बात करेंगे तो ग्रीन ब्लू मोल्ड हमारा जो है किसको कहते हैं, पेंसिलियम को, पेंसिलियम जो है क्या है, ग्रीन ब्लू मोल्ड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ग्रीन ब्लू मोल्ड किसे कहेंगे, पेंसिलियम को कहेंगे। अगर हम बात करेंगे और अगला पॉइंट हमारा जो दे रखा है यहाँ पे, अगला पॉइंट हमारा क्या दे रखा है देखेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है ये क्या दे रखा है, ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और साथ में रेड पिंक मोल्ड, रेड पिंक मोल्ड या फिर ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इन दोनों में से कोई भी पूछा जाएगा तो इसका, इसके लिए कौन सी हमारी फंजाई किसको कहते हैं, ये ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या फिर रेड पिंक मोल्ड किसे कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को दोस्तों कहते हैं। तो ये हो गया क्या, इसका न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा अगर आता, यानी कि आएगा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम आउट ऑफ दीज, तो आपको बताना होगा क्या होगा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा हमारे क्या है, न्यूरोस्पोरा जो हमारी फंजाई है कैसी है, रेड पिंक फंजाई के नाम से भी जाने जाते हैं, या कह सकते हो रेड पिंक मोल्ड कहते हैं या फिर ड्रासोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंजाई के लिए जो कि कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस, तो जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस की बात करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगी हमारी, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस हो जाएगा। अगर आगे भी बात करना चाहेंगे हम तो और देखेंगे मोरल फंजाई या फिर स्पंज मशरूम, मोरल फंजाई आए या फिर स्पंज मशरूम भी आए तो आप क्या बताएंगे वहाँ पे, मार्चेला, मार्चेला हमारी जो फंजाई कैसे, इसको कॉमन नेम क्या है, मोरल फंजाई भी कहते हैं और इसे और क्या कहते हैं, स्पंज मशरूम के भी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अगला पॉइंट की अगर बात करेंगे तो कप फंजाई, कई बार पूछी गई कप फंजाई तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, कप फंजाई को हम क्या कहते हैं, पेजाइजा कहते हैं, पेजाइजा, तो कप फंजाई हमारी कौन सी हो जाएगी, पेजाइजा हो जाएगी। और मोरल फंजाई और स्पंज मशरूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्सेला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और आगे बात करना चाहेंगे हम रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई हमारी कौन सी, पक्सीनिया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रस्ट फंजाई कई बार पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी, रस्ट फंजाई किसे हम कहते हैं, पक्सीनिया को हम कैसे क्या कहते हैं, रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई के साथ साथ में आपको मिलेगी स्मट फंजाई, स्मट फंजाई को हम क्या कहते हैं, अस्टलेगो, अस्टलेगो को हम क्या कहते हैं, स्मट फंजाई, स्मट फंजाई भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे। आइए आगे और ले चलते हैं आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हमारे चल रहे हैं यहाँ पे फंजाई में, तो देखेंगे इरीगार्ड फंजाई, इरीगार्ड फंजाई हमारी कैसी है, क्लेविसेप्स, जो इरीगार्ड फंजाई हमारी कैसी है, इरीगार्ड फंजाई और किस नाम से जानते हैं, क्लेविसेप्स के नाम से जानते हैं। कौन से डिसीज कास करती है, इस कास द इरीगार्ड ऑफ राइस, राइस में इरीगार्ड डिसीज कास करती है, ठीक है, इसलिए इसे इरीगार्ड फंजाई कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स को इरीगार्ड फंजाई या इरीगार्ड फंजाई को ही क्या कहते हैं, क्लेविसेप्स कहते हैं। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो क्या दे रखा, पफ बाल फंजाई, पफ बाल फंजाई की बात करेंगे तो पफ बाल फंजाई हमारी कौन सी हो जाएगी, पफ बाल फंजाई हमारी हो जाएगी लाइकोपरडान, तो हमारी पफ बाल फंजाई हमारी क्या हो गई, लाइकोपरडान हो गई, तो ये हो गई क्या, लाइकोपरडान हो गई। आइए चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास और भी पॉइंट है, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा 90% की,
उम्मीद करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लैक रस्ट फंजाई। यहाँ ये इसमें से देखो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, येलो रस्ट फंजाई पूछी गई थी, ठीक है। तो अगर बात करेंगे ब्लैक रस्ट फंजाई, ब्लैक रस्ट फंजाई क्या किस नाम से जानते हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनस टिट्रिकाई। क्या हो जाएगी, पक्सीनिया ग्रैमिनस टिट्रिकाई को किस नाम से जानते हैं, ब्लैक रस्ट फंजाई, यानी कि ब्लैक रस्ट फंजाई को क्या कहते हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनस टिट्रिकाई। अगर बात करेंगे येलो रस्ट फंजाई, येलो रस्ट फंजाई की बात करेंगे तो पक्सीनिया स्ट्रीफार्मिस, पक्सीनिया स्ट्रीफार्मिस कैसी हमारी फंजाई है, पक्सीनिया स्ट्रीफार्मिस जो हमारी है येलो रस्ट फंजाई है। अगर बात करेंगे ब्राउन रस्ट फंजाई, ब्राउन रस्ट फंजाई हमारी कैसी है, पक्सीनिया रिकांडिटा, पक्सीनिया रिकांडिटा को हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन या चार फंजाई यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में शायद आपको देखने को मिल जाएगी। तो पिछले एग्जाम में जो हमारा हुआ था TGT का, उसमें जो हमारी आई थी कौन सी, येलो रस्ट फंजाई आई थी, ठीक है। येलो रस्ट फंजाई या थी दोस्तों ब्राउन रस्ट, दो में से कोई एक थी, ठीक यहीं से आई थी फिलहाल, इसको याद रखना दोस्तों, ये नहीं याद है कौन सी आई थी। तो ये हो जाएगी ब्राउन रस्ट फंजाई की बात करेंगे तो पक्सीनिया रिकांडिटा, तो पक्सीनिया रिकांडिटा को किस नाम से जानते हैं, ब्राउन रस्ट फंजाई, या फिर ब्राउन रस्ट फंजाई को और दूसरे नाम जो इनका टेक्निकल नेम कौन सा है, पक्सीनिया रिकांडिडा, ठीक रिकांडिटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे व्हाइट रस्ट फंजाई की, व्हाइट रस्ट फंजाई हमारी कौन सी होगी, अल्बुगो कैंडिडा, कौन सी हो जाएगी, अल्बुगो कैंडिडा हो जाएगी। व्हाइट रस्ट फंजाई को हम क्या कहते हैं, अल्बुगो कैंडिडा कहते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फंजाई की, गिल फंजाई, मशरूम फंजाई एंड टैड स्टूल फंजाई। गिल फंजाई हमारी है, मशरूम फंजाई है और टैड स्टूल फंजाई, इन तीनों फंजाई का एक कॉमन नेम क्या है, एगेरिकस, यानी कि एगेरिकस को ही तीनों नाम से जानते हैं। तो ये एगेरिकस क्या हो जाएगी, एगेरिकस को ही क्या कहते हैं, गिल फंजाई कहते हैं, और एगेरिकस को मशरूम फंजाई भी कहते हैं, और एगेरिकस को क्या कहते हैं, टोड स्टूल फंजाई कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए चलते आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में देखें यार डेथ कप एंड दे रखा है सीजर मशरूम, ठीक है, या फिर केसर मशरूम, सॉरी सीजर नहीं, केसर मशरूम। तो ये तीनों डेथ चेयर, डेथ कप और केसर मशरूम, तो इसे हम क्या कहते हैं, एमनीटा फाइलोइडिस। तो ये क्या हमारी हो जाएगी, कौन सी फंजाई हो, एमनीटा फाइलोइडिस हो जाएगी। तो डेथ चेयर, डेथ कप और क्या कहते हैं, केसर मशरूम, ये याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टूल फंजाई, टूथ फंजाई, हेड हाग फंजाई, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइडनम, हाइडनम को क्या कहते हैं, टूथ फंजाई को भी हाइडनम कहते हैं, या और हेड हाग फंजाई। अगला पॉइंट हमारा दे रखा है सेल्फ आर ब्रैकेट फंजाई, तो इनको हम कहते हैं फेमस, कैसी होती हैं, सेल्फ आर ब्रैकेट फंजाई को हम क्या कहते हैं, फोमीज, पॉलीपोरस एंड गोनोडर्मा, फोम्स जिसे कहते हैं, फोमीज नहीं दोस्तों, फोम्स, पॉलीपोरस एंड गोनोडर्मा। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ या फिर ब्रैकेट फंजाई या फिर सेल्फ फंजाई को क्या कहते हैं, फॉर्म्स कहते हैं, पॉलीपोरस कहते हैं, या फिर गोनोडर्मा। ये हो जाएंगे कुछ इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे और भी कुछ रिमेनिंग फंजाई हैं जो कॉमन नेम है उनको जानेंगे। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनका निश्चित ही फ़ायदा होगा, और जो वीडियो आप पढ़े हुए हैं उनको देखे होंगे और वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड हुए थे और याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस टाइप से फंजाई से। इसीलिए दोस्तों हम ये वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं और शेयर कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।